गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए हमें नेचुरल नंबर। हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से जो स्टार्ट होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे इंटीजर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिट तक। ये सभी हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। जब इन नंबरों के साथ जीरो आ जाती है तो ये हमारे हो जाते हैं होल नंबर। और जब होल नंबर के साथ हमारे माइनस के नंबर भी आ जाए तो वे हम बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? द नंबर माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। तो ये क्या बनेंगे? हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर हमारे प्लस, बीच में जीरो भी होनी चाहिए, फिर 1, 2 और प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सभी हमारे क्या है? इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे मार्क करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम इसमें हमने अगर -5 मार्क करना है तो हम कहाँ पे करेंगे? हमारे एक बात पहले, अगर हम प्लस नंबर देख रहे हैं तो वो नंबर जितना ज़्यादा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा। पर जब माइनस में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो नंबर उतना ही बड़ा। अगर हम -7 ले और -11 ले तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? तो हमारा -7 क्या होगा? बड़ा। नेक्स्ट अगर हम -8 ले और प्लस के ले 5 तो कौन सा बड़ा होगा? हमारा 5। अब नंबर 9 पे हमने -4 देखना है तो हमारा -4 कहाँ पे है? तो हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। अब हमें लगाना 6, तो प्लस में है तो हमारे इधर लाइन आएगी, माइनस करना है तो हमारे इस तरफ लाइन आएगी। तो प्लस के मार्क हम कहाँ पे करेंगे? 0 to 7 और माइनस के करेंगे 0 to -6। अब हमें लगाना 6 तो हम यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर इज गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में हमने बताने -3, -2। तो हम सबसे पहले कहाँ पे लगाएंगे? तो हम कहीं पे भी कोई भी जीरो मार्क कर लेंगे। इधर हमारे क्या आएंगे? पॉजिटिव। इधर क्या आएंगे? हमारे नेगेटिव। अब हमें लगाना -2, तो -2 हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब हमें लगाना 7, तो 7 कहाँ जाएगा? 4, 5, 6, 7, तो हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। अब हमें लगाना है, हमें माइनस और प्लस के नंबर दोनों ऐड करने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा -7, अगर हम इसमें +5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा है जो भी माइनस में अगर और माइनस और प्लस दोनों नंबर हमारे पास है तो हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ हमारे क्या है? माइनस के नंबर बड़े हैं तो हमारा किसका निशान आएगा? माइनस का। अब 7 में 5 गए तो हमारे क्या आ जाएंगे? 2, ठीक है। पर हम ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ। अगर हमारे दोनों प्लस के हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस में ही। अगर हमारा एक प्लस है और हम ऐड कर रहे हैं और एक हमारा माइनस है तो जो नंबर भी हमारा ज़्यादा होगा वही नंबर और हम उन दोनों का क्या कर देंगे? माइनस। अगर प्लस के ज़्यादा तो प्लस का मार्क आएगा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस। पर हम टोटली क्या करेंगे? उन दोनों चीज़ों को माइनस। अब अगर हमारे दोनों माइनस के हैं और हम क्या कर रहे हैं? ऐड। तो हमारा नंबर क्या हो जाएंगे? नंबर तो हमारे ऐड हो जाएंगे पर हमारा मार्क क्या होगा? माइनस, ठीक है। तो हमारे नंबर के आगे क्या लग जाएगा? माइनस। अब अगर ये नंबर माइनस कर रहे हैं, अगर हमारा एक नंबर प्लस है और दूसरा नंबर हमारा भी प्लस है और अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे अंदर वाले साइन का प्लस, माइनस प्लस करेंगे तो हमारा निशान क्या बन जाएगा? माइनस। और फिर वही
प्लस के ज़्यादा है तो प्लस, माइनस के ज़्यादा तो माइनस, ठीक है। और दोनों चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, लेस। अब अगर हमारे दोनों माइनस हैं और हम उनको माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। और फिर वही जो ज़्यादा है वो निशान आएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस। जैसे कि हमारा है एक क्वेश्चन, 8 प्लस माइनस 7 माइनस माइनस 4। तो हम कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले क्या हमारा 8 तो सेम रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। फिर हम माइनस माइनस क्या बताता मैंने, प्लस। अब देखो प्लस प्लस को ऐड करेंगे, माइनस माइनस को, 8 और 4 हमारे 12, माइनस 7 तो हमारे किस चीज़ के ज़्यादा, यहाँ पे प्लस के, तो हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस के ज़्यादा तो निशान किसका आएगा, प्लस का। 12 में से 7 गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। अब इसी तरह क्वेश्चन और लेते हैं, -56 प्लस (-73) इन दोनों को क्या करना है, सोल्व। तो -56 प्लस (-73) मैंने क्या बताया था, अगर दोनों माइनस के तो निशान माइनस का और दोनों नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस। तो 639 75 12, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम किसी इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे प्लस होते वो तो हो जाएंगे माइनस और जो माइनस हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हमने लगाना है 12, तो 12 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा, -12। अगर -10 का एडिटिव इन्वर्स करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, 7 3 -1 -5। तो नेक्स्ट हमारे फिलिप्स में क्या आएगा, तो देखो 7